क्या आप मुमरा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर विस्फोटक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर रखने वाले 2 आरोपियों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम है जॉय कालवा 23 साल रमेशवाड़ी बदलापुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी ऋषिकेश 25 वर्षीय भिमंडी का रहने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ने एक यात्री की बैग चुराई थी। जब बैग को खोलकर देखा तो उसमें इलेक्ट्रिक डेटोनेटर था, इसलिए डेटोनेटर से भरे 2 बॉक्स स्टेशन पर ही छोड़कर दोनों वहां से फरार हो गए थे। आपको बता दें कि 21 फरवरी को सुबह करीब 11:30 बजे कल्याण रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास 54 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से भरे 2 बॉक्स मिले थे। सूचना मिलते ही कल्याण रेलवे पुलिस ने बम विस्फोट की मदद से विस्फोटक डेटोनेटर जब्त करते हुए मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी थी और CCTV की मदद से पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में कल्याण रेलवे पुलिस के इंचार्ज पंडरीनाथ कांदे ने बताया है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी शातिर अपराधी हैं। उन्होंने रात के समय स्काईवॉक पर सोए एक व्यक्ति की बैग चुराई थी और बैग में से विस्फोटक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के सिवा उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। तो डेटोनेटर के दोनों बॉक्स प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर अंधेरे में छोड़कर वहां से ये दोनों फरार हो गए थे। फिलहाल रेलवे की अदालत ने दोनों को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। हालांकि विस्फोटक पदार्थ से भरी बैग किसकी थी इस बात से अभी पर्दा नहीं उठ पाया है। वहीं कल्याण रेलवे पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कल्याण GRP के पंडरीनाथ कांदे ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुना देंगे। क्या था, किस तरह ये फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे किसी ने कल्याण स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर डेटोनेटर रखे गए थे। इस संबंध में हमने गुना दाखिल किया था। हमारे स्टाफ ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके 2 आरोपियों को अटक किया है। एक का नाम है जॉय कालवा, दूसरे का नाम है ऋषिकेश निकुम। ये दोनों उसमें से एक बदलापुर का रहने वाला है, एक भिवंडी का रहने वाला है। दोनों पुलिस थाने के रिकॉर्ड के आरोपी हैं। दोनों ने मिल के थाने कल्याण रेलवे स्टेशन के बाहर स्काईवॉक पे बैग उठाया है। वो बैग चोरी करके उस बैग में क्या है ये देखने के लिए उस जगह पे गए, बैग खोला और जो जरूरी चीज़ थी वो लेके गए हैं और ये डिटोनेटर उनके कुछ काम का नहीं था इसलिए उन्होंने फेंक दिया है। IPC 286-336 with Explosive Substance Act के अंडर गुना दाखिल किया हमने।